नमस्कार, मणिगुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। बदलते दौर के साथ न सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल बदला है बल्कि निवेश करने के तरीके में भी काफी ज्यादा। हमारे साथ दो खास कपल हैं। एक कपल है जिनके समय निवेश के जो ट्रेंड है आज के मुकाबले काफी अलग थे, तो दूसरा कपल जो आज के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड का हिस्सा है। आज इन दोनों कपल से हम जानेंगे कि कल और आज में इन्वेस्टमेंट ट्रेंड कितना बदला है और कैसे आप अपने सभी कपल गोल्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो मणिगुरु की इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज हैं एक्सपर्ट, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट प्रकाश रंजन सिन्हा और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में कैंपस डायरेक्टर मधु सिन्हा, जो कि प्रकाश जी की वाइफ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ एक और कपल है, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के को-फाउंडर क्षितिज महाजन और उनकी बेटर हाफ वेलनेस एक्सपर्ट काजल देसाई महाजन। क्षितिज और काजल, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम आप दोनों ही कपल से समझना चाहेंगे कि आपने अपने अपने टाइम में कैसे अपने लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिससे कि आपकी इस फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन से हमारे तमाम दर्शक अपने लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने अपने एक्सपर्ट में अपने अपने फील्ड में माफ कीजिए एक्सपर्ट है, और हमारे दर्शकों को बेटर ढंग से बता पाएंगे कि लाइफ के अलग अलग गोल्स के हिसाब से कैसे आप परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी और मधु जी आपके पास भी आऊंगी। प्रकाश जी, आपके मधु जी की शादी को कितने साल हो गए हैं? हमारी शादी को 92 में हुई थी, तो 27-28 साल हो गए। ज्यादा 27-28, वंडरफुल। मतलब 28 साल का अनुभव आज आप शेयर करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। और क्षितिज, आपकी शादी को कितने साल हो गए? स्वाति, 9 साल हो गए। ओके, तो 28 वर्सेस 9 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग का कपल अनुभव आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले शो में क्या खास है उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कल और आज कितना बदले हैं कपल गोल्स, साथ ही मौजूदा वक्त में FD सही या फिर म्यूचुअल फंड कैसे आप पूरा करें अपने फाइनेंशियल गोल, और निवेश आज कल में क्या है ध्यान रखना जरूरी। चलिए, तो जब हम बात करते हैं निवेश आज और कल की, तो सिर्फ आज और कल नहीं, हम बीता हुआ कल भी थोड़ा यहाँ पर टटोलना चाहेंगे। और प्रकाश जी, मैं आपसे समझूंगी, आज से 10 साल पहले जब आपकी शादी को बहुत ही कम टाइम भी हुआ था, आपके बच्चे और भी छोटे थे, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके की हुआ करती थी? कौन से गोल्स थे जो काफी मेजर हुआ करते थे आपके लाइफ में? देखिए, जब हम लोगों ने कैरियर स्टार्ट किया था 1999 में, तो उस समय फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी कोई कंसेप्ट थी नहीं। लेकिन मैं चूंकि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ था शुरू से ही, तो इन्वेस्टमेंट की तो बात समझ में आती थी। और हमें ये भी समझ में आता है कि देखिए, आप जिंदगी में जो भी इन्वेस्ट करते हैं किसी और के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं, क्योंकि आपकी जीवन बहुत लंबी है। 70-80 साल तक आप जीते हैं और आपके जीवन के हर पल हर क्षण में आपको कोई ना कोई पैसे की जरूरत होगी। और गोल्स तो हैं ही आपके, शादी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, उनकी शादी होगी, और फिर रिटायरमेंट तो होगा। तो एक चीज़ उस वक्त हम लोगों ने जो शुरू किया था कि जो भी हमारे पास सेविंग होता था, जिसको हम कंपलसरी सेविंग करते थे, उसको निश्चित तौर पे हमेशा हम इन्वेस्ट करते थे। और चूंकि इक्विटी मेरा हमेशा पसंदीदा एसेट रहा है, तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए हमने उस वक्त इन्वेस्ट करना शुरू किया था। ओके, तो इक्विटी में ध्यान रखकर आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मधु जी, आप क्योंकि खुद भी एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, और मैं मानती हूं कि एक महिला न सिर्फ वर्किंग लेडी होती है, वो एक होम मेकर भी होती है, उसकी डबल ड्यूटी होती है। तो आपने घर के साथ साथ अपनी ये फाइनेंशियल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, और प्रकाश जी अपने बच्चों को साथ में कैसे संभाला, कैसे फाइनेंशियल गोल्स को पूरे परिवार के साथ लेकर आगे बढ़ी आप? सो ऐसा था कि शुरू से ही मैं बहुत डिसिप्लिन रही हूँ, और जॉब के साथ साथ मैंने बहुत फोकस किया कि हमारे जो घर के खर्चे हैं, हमारा घर का प्रॉपर बजट हो। उसमें हमने प्लानिंग करते थे हम दोनों बैठ के कि हमारा कितना इनकम है, कितने हमारे इस मंथ के एक्सपेंसेस हैं। तो हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते थे, उसके बाद हम लोग अपने खर्चों को किया करते थे, और हम लोग रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर भी किया करते हैं, ताकि हमारा जो ट्रैक पर, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रैक पर जा रही है कि नहीं, उस पर हम हमेशा ध्यान रखते हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, और ध्यान में क्या रखना चाहिए? क्षितिज, अब मुझे ये बताइए कि आप एक न्यू एज कपल है, न्यू एज इसलिए मतलब शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपका एक छोटा बच्चा है, दैट मीन्स यू हैव अ स्मॉल डॉटर। तो अब क्षितिज, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लाइफ स्टेज के हिसाब से वो कैसी रही है, कीपिंग इन माइंड आपकी शादी को 9 साल हुए हैं, तो ऐसे कौन से गोल्स हैं जिन पर आपका फोकस रहेगा अब आने वाले टाइम में? सो स्वाति,
आपने बड़ी अच्छी बात कही कि दैट छोटा बच्चा है, तो जब बच्चे के बाद सबसे बड़ी आपकी जो प्रायोरिटी हो जाती है वो बच्चे के ओरिएंटेड ही हो जाती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो पहले भी रही होगी 10 साल पहले, मेरे पेरेंट्स की भी रही होगी या सिन्हा जी ने अपने बच्चों के लिए भी प्लान किया होगा, सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहती है वो चिल्ड्रन एडुकेशन की रहती है कि वो कुछ अच्छा अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपना करियर अच्छा बनाए। तो उसके ओरिएंटेड ही सारी प्लानिंग होती है कि उनकी एडुकेशन को लेके हम सेविंग करें, चाहे वो डिपेंडिंग ऑन एसेट क्लासेस किसका कितना रिस्क एपेटाइट है उस तरह से डालें। तो मैंने जैसे मेरा अपना पसंदीदा एसेट क्लास इक्विटी रहा है, तो मैंने इक्विटी में एलोकेशन किया कि कल को उसको एडुकेशन के लिए भेजना है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ रही जो मेरे पेरेंट्स के टाइम में घर की थी, जो आज मेरे टाइम में एक एक यू नो एक्सपीरियंस की है कि वो उनकी वेकेशंस के लिए हम उनको लेके जाएं बच्चों को, क्योंकि आई थिंक काजल कैन ऐड हियर कि वेकेशंस क्यों ज़रूरी है, बिकॉज सारा प्रोसेस इन्होंने ही शुरू किया। काजल, सो ऐसा है कि वेकेशन पे एक टाइम मिल जाता है फैमिली से, गैजेट से अवे विथ द फैमिली टुगेदर, तो हम एनकरेज करते हैं कि हम हमारे बच्चे के साथ एटलीस्ट मिनिमम एक इंटरनेशनल वेकेशन जरूर करें साल में एक बार, और छोटे मोटे पूरे साल में एक दो वेकेशंस रहते ही हैं। इसका मेन पर्पस ये रहता है कि लाइक आई सेड, एक फैमिली टाइम मिल जाता है और बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। आजकल आउटडोर एक्टिविटीज में इतनी ज्यादा लर्निंग हो जाती है, सो आर चाइल्ड ऑल्सो एंजॉयज, वो बहुत पसंद करती है। और आगे जाके भी हमें यही, हमारा यही प्लान रहता है कि आगे जाके भी हम यही कोशिश करेंगे कि इस पे हमारा फोकस रहे। ओके, तो ये जो तमाम इच्छाएं हैं, एस्पिरेशन है, इससे काफी हद तक समझ में आता है कि जो कपल गोल्स हैं कितना बदल रहे हैं। एक मैं थोड़ा सा डेटा पहले दिखाना आप सबको चाहूंगी, फिर मैं प्रकाश जी, बदु जी, क्षितिज और काजल से इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो टॉप 5 जो गोल्स हमारे हुआ करते थे, हालांकि इसमें और भी गोल्स हमने ऐड किए हैं, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता था? बच्चे हुए हैं तो बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एक अच्छा घर खरीदना है, सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए और अपना घर होना चाहिए वो भी, रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब 60 के बाद ठाट की जिंदगी जिए वो होना, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, ये प्लान हुआ करता था। फिर बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए गहने जुटा रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे प्रकाश जी ने कहा कि 10 साल पहले म्यूचुअल फंड तो काफी नया एक टर्म लोगों के लिए था और पारंपरिक जो ट्रेडिशनल निवेश थे वो ऑप्शन ज्यादा पॉपुलर थे। फिर आता था वेकेशन, उसके बाद आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है, यहाँ पे प्लानिंग है, फिर परिवार का ख्याल रखना है, अपने माँ बाप का ख्याल, लोन रीपेमेंट, शायद उतना ज्यादा लोन लोग लेते नहीं थे, जरूरतें कम थी, इच्छाएं थोड़ी कम थी, और लाइफस्टाइल को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। लेकिन जब हम अब 10 साल के बाद आज की इस तारीख में करें, आज 2020 में है, तो बच्चों की पढ़ाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जैसा काजल ने बोला, वेकेशन ने टॉप 5 एस्पिरेशंस में जगह बना ली है। मतलब आपको घूमना फिरना भी है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ गोल, कपल गोल हो गया है कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, घर और गाड़ी खरीदना थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि अब बहुत सारे लोग रेंटेड घरों में रहते हैं और काफी सारे लोग कैब्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है, फिर धीरे धीरे आगे आप अपना बिजनेस, हेल्थ, बच्चों की शादी, फायदा नीचे आ गया है क्योंकि शादियां अब लेट हो रही हैं और लोन रीपेमेंट जैसी ये जरूरतें हैं। ये फिलहाल हमने 2 स्टेजेस की बात की। इसमें प्रकाश जी मैं आपका इनपुट चाहूंगी क्योंकि हम एज कंपेयर टू 10 साल पहले, साल 2020 के जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, और आप अपने एग्जाम्पल से भी हमें बता पाएंगे कि जब आप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं, आपको लगता है कि बच्चों की शादी अभी भी टॉप 5 फाइनेंशियल गोल्स में शुमार है, कीपिंग इन माइंड कि बच्चे अब खुद अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और कई बच्चे तो खुद अपनी शादी को स्पॉन्सर और फंड करते हैं? देखिए, गोल्स तो वही हैं, गोल्स तो बदलते नहीं हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि एजुकेशन तो खैर बहुत ज़रूरी है, आप पहले भी था, आज भी था, और एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ गया है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने देखा है, पहले शायद हमारे फादर के टाइम में वो एक चीज़ भी नहीं थी क्योंकि उनको पेंशन मिलता था, बट जैसे जैसे हम देख रहे हैं नए जनरेशन के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। जहाँ तक बच्चों की शादी की बात आ रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये फिर अगेन एक इसके अगेन इसके अगेंस्ट में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं कि आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वो अगेन डिपेंड करता है, बट ये सारे प्रायोरिटाइजेशन हैं।
और जैसा कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हम लोग की जिंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ काम ही नहीं होता है, आपको अपने फैमिली के साथ रिक्रिएशन भी करना चाहिए। तो आजकल हॉलीडेइंग का कंसेप्ट आ गया है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने परिवार के साथ एकजुट रहते हैं और थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाता है। तो गोल्स वही हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रायोरिटाइजेशन का फर्क हो गया है। मधु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अगर कंपेयर करें अपनी कपल लाइफ 10 साल पहले बच्चों के साथ ऑफ कोर्स और अभी, तो आप जब आप लोगों के बच्चे नहीं थे, आप दोनों के, जब आप दोनों ही थे खाली, और उसके बाद जब आपके फैमिली में, आपकी जिंदगी में आपके बच्चे आए, तब आप ज्यादा घूमा करते थे या फिर बच्चों के बाद ज्यादा घूमते हैं? अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है घूमने का, अभी हम लोग ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं घूमने फिरने में भी, और अभी थोड़ी प्रायोरिटी यह है कि घूमने के साथ साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है, आप बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप ट्रिप पे रहते हैं तो, और घर में क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, कोई जॉब में जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, लेकिन अब वेकेशन में हम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। दूसरा, अभी जो फोकस है वो रिटायरमेंट प्लानिंग पे भी काफ़ी हो गया है और इंश्योरेंस पे भी काफ़ी हो गया है कपल्स का, कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस में मैं बोलूँगी कि आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना बहुत अच्छा होगा, कि फैमिली को आप हेल्थ प्रोटेक्शन भी दें और लाइफ प्रोटेक्शन भी दें, और रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बुक लिखी है रिटायर वेल्दी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से केस स्टडी देते हुए, सिंपल केस स्टडी एक्सप्लेन करते हुए मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग खुद से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं निवेश आजकल, मतलब निवेश आज से 10 साल पहले, निवेश आज का और आने वाले कल का निवेश, कितना बदल गया है फाइनेंशियल ट्रेंड और आने वाले समय के लिए आपको कैसी करनी चाहिए तैयारी। हमारे साथ है चार खास मेहमान और चार खास मेहमान में दो कपल्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं प्रकाश रंजन सिन्हा जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है, वो अपनी वाइफ के साथ आए हैं मधु सिन्हा, साथ ही हमारे साथ है क्षितिज महाजन फाइनेंशियल प्लानर और उनकी वाइफ काजल देसाई महाजन हमारे साथ हैं आज, और चारों ही अपने अपने फील्ड में बहुत ही अनुभवी हैं। इसलिए अब ये जानना जरूरी है जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं क्षितिज, क्योंकि जब मिलेनियल्स की बात आती है, आई एम श्योर योर डॉटर इज अ मिलेनियल, तो आप इनफैक्ट शी इज जेन ज़ी, शी इज बोर्न आफ्टर 2000। ओके ओके ग्रेट, जो भी लोग 2000 के बाद बोर्न हुए उन्हें जेन ज़ी बोला जा रहा है। ओके जेन ज़ी, एक अच्छा टर्म हमें पता चला है। तो इंश्योरेंस पर फोकस करना कितना ज्यादा जरूरी है, एक तो ऑफकोर्स जो आज के टाइम में अभी नए नए नौकरी पेशा है और सोच रहे हैं कि भाई हमें ये खर्च करना है, हमें नया गैजेट लेना है, नई घड़ी लेनी है, नया फोन लेना है, इंश्योरेंस प्लानिंग सबसे पहले होना चाहिए हिस्सा किसी भी खर्च का, इसका इंपॉर्टेंस जरा बताएं। सुस्वाति, जब भी गोल प्लान की बात होती है तो सबसे पहले कोई कहे कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है या एफडी में करी है या फिर मैं रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहा हूँ, मैं एक जरिए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पर वो तभी हो सकती है अगर वो बंदे का अपना एग्जिस्टेंस रहता है। अगर आपने फैमिली के लिए 10 साल 15 साल 20 साल की प्लानिंग करी है और कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण वो इंसान नहीं रहता है, तो वो सारी प्लानिंग गड्ढे में चली जाती है। गोल प्लानिंग का सबसे पहला एस्पेक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जो सबसे पहला है, दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस, तीसरा है आपकी इन्वेस्टमेंट्स। सो लाइफ इंश्योरेंस की जो अभी की आज की बात करें तो ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने बोला कि आज की डेट में, बिकॉज देखिए हुआ क्या है, 15 साल में जो हमने एकदम टर्न अराउंड देखा है इंडिया में पे कमीशंस के कारण, गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर प्राइवेट जॉब्स में एकदम सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं, तो पैसा आने के बाद जो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड बहुत इंक्रीज हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। ज़्यादातर जो मिलेनियल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं या जेन ज़ी जो नए अभी शुरू करेंगे जॉब करना, अगर आप बात करते हैं तो उनकी कंपनीज उनको कवर करती हैं टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस से, पर वो काफ़ी नहीं है कि वो कवर तभी तक है जब तक आप जॉब में हैं, क्योंकि वो जनरेशन नहीं है जहाँ पे वो एक ही जॉब में कंटिन्यू करती है, वो ब्रेक लेती है, सबैटिकल लेती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि वो समझे इस चीज़ को कि उनको अपना एक इंश्योरेंस लेना है। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ स्वाति, इंश्योरेंस की कॉस्ट क्या है, दिन की एक सिगरेट और चाय का कप, अगर 10 रुपए की सिगरेट और 10 रुपए का चाय का कप है तो 20 रुपया दिन में आपको 1 करोड़ का कवर मिलता है। Absolutely. 25 साल की किसी की आयु है और 1 करोड़ का कवर चाहिए तो उसकी ज्यादा उससे ज्यादा से ज्यादा 7 से 7.5 हज़ार का आपका ईओ में, तो आपकी कॉस्ट इतनी कम है अपने आप को कवर करने की, दैट अपने परिवार को एक अश्योरिटी देने की कि अगर कुछ होता है तो मैं आपके लिए कुछ कॉपर छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबको समझ। इनफैक्ट काजल, आप तो वेलनेस एक्सपर्ट हैं,
लोगों को फिट रहना आजकल काफी पसंद भी है. एंड आई एम श्योर जब हम आगे आने वाले टाइम की बात करेंगे, जो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अगर अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देते, दैट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग, जो पूरा उनका जो गोल है वो जब अपने स्पाउस के साथ गोल बनाएंगे, तो शायद हेल्थ को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे. डेफिनेटली. इनफैक्ट आज के डेट में भी लोग अवेयर हो रहे हैं, अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं. आप देखेंगे बहुत सारे जिम्स स्टार्ट हो रहे हैं, योगा क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं. लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि हेल्थ इज वेल्थ, एंड इन ट्रू सेंस हेल्थ इज वेल्थ. अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, आपने जितनी भी वेल्थ इकट्ठी की होगी वो आपके कोई काम नहीं आने वाली. आगे जाके हम जरूर ये चेंज देखेंगे कि जो भी आपने अपनी एक गोल प्लानिंग की है उसमें एक कॉर्पस आप जरूर रखेंगे, जहां पे आप इंश्योर करेंगे कि आप क्यूरेटिव मेजर्स ले रहे हैं रादर देन प्रिवेंशन. तो आज के डेट में हम जैसे देख रहे हैं कि हम रिएक्टिव हैं डिजीजेस को लेके, करेक्ट? डिजीज हो गया है और फिर हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उससे कैसे बाहर निकले. आगे की जनरेशन थोड़ी और समझदार होगी और वो क्योर पे ज्यादा, मतलब प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देगी रादर देन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो पहले से ही एक बहुत ही फेमस मुहावरा है, जिसको जितना जल्द समझे उतना अच्छा है, उसके बाद आपको लंबे चौड़े बिल का सामना नहीं करना पड़ेगा हॉस्पिटल के. तो यहाँ पर अब मैं एक बार फिर से वो ट्रेंड दिखाना चाहती हूँ जिसमें हम निवेश आज और कल की बात कर रहे हैं. आज से 10 साल पहले 2010 में क्या कपल गोल्स हुआ करते थे, मतलब फाइनेंशियल गोल्स हुआ करते थे. 2020 में वो ट्रेंड कितना बदला. तो जितना भी अभी हमने प्रकाश जी से, मधु जी से, क्षितिज और साथी काजल से बात की है, तो आने वाले 10 साल में क्या ऐसे ट्रेंड्स, फाइनेंशियल ट्रेंड हो सकते हैं जिस पर शायद फाइनेंशियल प्लानिंग बेस हो? मतलब जैसा काजल ने बोला, हेल्थ प्रायोरिटी हो सकती है, आपका स्किल डेवलपमेंट प्रायोरिटी हो सकती है, प्री रिटायरमेंट इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कई लोग लंबे टाइम तक काम नहीं करना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होकर आगे की जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं. गैजेट फ्रीक लोग हो गए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ हो गई है, तो गैजेट पर खर्चा हो सकता है. एजुकेशन अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में भी. जो आपके पास स्किल है उसको अपग्रेड करने के लिए आप क्या करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये आने वाले टाइम में कुछ नए गोल्स आपके लाइफ में ऐड हो सकते हैं. अगेन लाइफस्टाइल तो एवर चेंजिंग है, तो लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, ट्रैवलिंग, दुनिया घूमना, सैर सपाटा, फिर रिक्रिएशन आपके लाइफ में कुछ हो, और कई लोग पेट रखना पसंद करते हैं, तो पेट केयर एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल हो सकता है. मतलब जो आने वाली जनरेशन है आज से 10 साल के बाद इस तरीके के गोल बनाएंगी. प्रकाश जी, मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को जब देखते हैं तो उनसे आपको क्या ये आइडिया मिलता है कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग आने वाले टाइम में, जैसा हमने बताया, क्या लगभग इसी लाइंस पर हो सकती है कि वो कुछ नए गोल्स अपने लाइफ में ऐड करें जिसमें हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट या फिर प्री रिटायरमेंट भी शामिल हो? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि वही है. और एक चीज, मैंने, मेरे दोनों बच्चे जब उन्होंने नौकरी शुरू किया था तो मैंने उनको पहले दिन ही बोला था कि 2-4-5 महीने आप अपना एंजॉय कर लो जो भी करना है, और उसके बाद आपके सैलरी का एक्स परसेंट तो आपको इन्वेस्ट करना ही है. शुरू में वो थोड़ा से झिझक रहे थे कि भाई हम क्यों इन्वेस्ट करें, बट आफ्टर दैट थोड़े दिनों बाद ही उनको जब दिखा कि नहीं, ये उसका फायदा क्या हो रहा है, तो उनको इसकी वैल्यू समझ में आई. और देखिए, यंगर जनरेशन के लिए एक बहुत जरूरी चीज है. मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, अच्छी बात है आप कार्ड पे जियो, लेकिन अगर आपके खर्चे बढ़ते चले गए और उसी अनुपात में अगर आपके इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़े, या आपने जैसे कि इंश्योरेंस प्लानिंग वगैरह नहीं की, तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा. सो बहुत जरूरी है नए जनरेशन के लिए कि वो दोनों तरफ देखें, आज की जिंदगी भी जिए और कल के जो अच्छी जिंदगी है उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मधु जी, मैं आपसे इस पर इनपुट चाहूंगी. जब प्री रिटायरमेंट की बात होती है, आजकल काफी ज्यादा क्रेज शुरू हो गया है. आपने तो रिटायरमेंट पर अच्छा खासा एक रिसर्च भी किया है, बुक भी लिखी है. कहीं पर लोगों ने यह भी आपको कहा होगा कि वाई वेट फॉर 60 प्री रिटायरमेंट, 60 की जगह क्यों ना 45-50 पर रिटायरमेंट ले ली जाए, तो उसके लिए कैसी तैयारी हो? देखिए, अगर आपको रिटायरमेंट जल्दी लेना है तो इसका मतलब आपका जो रिटायरमेंट के बाद का जो फेज है वो लंबा हो जाएगा, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रेजेंट एक्सपेंसेस को ध्यान में रखें, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें कि इन्फ्लेशन से आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे. अगर आप जब रिटायर भी हो जाएंगे उसके बाद भी आपके एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन से बढ़ते रहेंगे, तो आपको इस तरह से प्लानिंग करना है कि अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस इतना बड़ा हो कि आपका जो रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि वो इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स,
कि आपका सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी हो। मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूंगी कि रिटायरमेंट कॉर्पस के अलावा आपको कुछ लाख रुपए अपने, कुछ फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज आपको रखने चाहिए अपने मेडिकल के लिए भी, क्योंकि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सारे खर्चे कवर नहीं करता है। कुछ ऐसा प्रोविजनिंग आपको रखना चाहिए एक्स्ट्रा मेडिकल के लिए, क्योंकि वो जब काम आएगा, सपोज आपको कभी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में कुछ खर्च करना पड़े, चेंज इन योर होम बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग गुड, तो उसके लिए आपको वो पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके अक्षितेज, निवेश का बदलता स्टाइल ये, क्योंकि जैसे जैसे कपल गोल्स बदल रहे हैं निवेश का स्टाइल भी बदल रहा है, और एम्फी के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि इक्विटी में लगातार निवेश बढ़ रहा है, हम हो सकता है कि आने वाला ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही दर्शाए। दैट मीन्स जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे निवेश के, उसकी जगह म्यूचुअल फंड ने काफ़ी हद तक जगह ले ली है, आपको ऐसा लगता है आपका अपना एग्जाम्पल देखते हुए? होना तो ऐसे ही चाहिए था स्वाति, बट अभी भी पेनिट्रेशन सिर्फ 3.5-4% ही है। आप समझिए टोटल जो डिपॉजिट्स हैं अगर वो 110 लाख करोड़ के आसपास है, म्यूचुअल फंड सिर्फ 27 लाख करोड़ है, जबकि ये परसेंटेज यूएस में 140% है डिपॉजिट की। बट हैविंग सेड दैट, एम्फी, सेबी, आपके चैनल्स, शो लाइक मनी गुरु, हम लोग अपनी तरफ से सब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्ट्रीमलाइन और ऑर्गेनाइज वे में लेके आए। क्योंकि होता यह है कि इन्वेस्टमेंट्स की याद जब बुरा टाइम आता है तभी आती है कि इन्वेस्टमेंट किया होता, तो इसके ऊपर वो हमारे इंडस्ट्री में बड़ी एक सेइंग है दैट दुख में इन्वेस्टमेंट की बात सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में जो सुख में इन्वेस्टमेंट करे तो दुख का एक हो। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आपसे आखिर में जानना चाहूंगी कि आपका जो एक मैसेज है न्यू एज कपल के लिए वो क्या रहेगा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आने वाले समय के लिए कैसी रहे, लोग घर का बजट बनाना छोड़ चुके हैं, तो एक दो टिप्स बताइए जल्दी से। देखिए बहुत सिंपल सी है, जिंदगी हर दिन आप जीते हैं और हर दिन अच्छे तरह से जीनी है, तो जिंदगी जब हर दिन अच्छे तरह से जीनी है तो आपके लिए आपके पास पर्याप्त पैसे भी होने चाहिए, तो आज भी एंजॉय कीजिए जो भी आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, और कल के लिए भी आप अपना उतना इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। सो हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, एंड ऑल्सो राइट एसेट पे इन्वेस्टमेंट आपकी होनी बहुत जरूरी है। और फिजूल खर्ची पर काबू रखना और क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल करना जैसे प्रकाश जी ने कहा उसको अवॉइड करें। क्षितिज, कल की तैयारी आज कैसे, रिटायरमेंट प्लानिंग तो है ही सही लेकिन इमरजेंसी फंड होना कितना जरूरी? स्वाति, 10% जो भी आपका टेक होम है उसको आप एक इमरजेंसी फंड में डालें, चाहे वो आप किसी भी सैलरी में हो, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैम ने मेंशन किया कि आपको मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, और क्या कि एक्सपेंसेस जो है वो बता के नहीं आते हैं, तब उस समय जरूरी नहीं है कि जब आपने इक्विटी में डिप्लॉय किया हुआ है पैसा तो मार्केट्स अच्छी कर रही हो, तो 8-10% आप आर्बिट्राज फंड या लिक्विड फंड्स में ले सकते हैं, वो डिप्लॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्टेज में आप अपने क्रेडिट कार्ड के या फिर अपने जो लोन्स की ईएमआई के यू नो रिवाइवल्स को, मतलब जो बिल्स को थोड़ा आप चेक में रखें। ओके क्योंकि तीन, ये जैसे लास्ट बार भी हमारी बात हुई थी, तीन कजन्स हैं ये, ईएमआई, आपका क्रेडिट कार्ड और आपका सिप। तो सिप आप पहले 100 में से 20 रुपीज निकाल दीजिए, उसके बाद आप उसी प्रोपोर्शन में बाकी चीजें खर्च कीजिए। ओके तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग आज और कल की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, मधु जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और क्षितिज और काजल हमारे साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शेयर करने के लिए, और लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में आपको कैसे अपने गोल्स को प्लान करना है ये हमने आज दो वंडरफुल कपल से जाना। विश यू ऑल अ वेरी मैरिड हैप्पी मैरिड लाइफ, और आज के इस शो में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज मनी गुरु में बस इतना ही।